और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर कैमरा वाइड एंगल कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली क्या है और कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताने वाली। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाइड एंगल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कैमरा ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊँ, आप सामने का स्क्रीन में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वो आपको इतना देखने को मिलता है। अगर वाइड एंगल की बात करें तो इससे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0.6 यहाँ पर है, स्पेशली करें तो ये है वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप एरिया कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपको देखना हो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं ये वाइड एंगल। और यहाँ पर 2x का ऑप्शन है, यहाँ पर 1 2x एंड 1x तक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं यूज़। ये था अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग। तो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज़्यादा एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर नाइट मोड एंड पोर्ट्रेट मोड आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं आप, जैसे अपनी फेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्टिकर्स भी आपको दिया गया है और अप्लाई कर सकते हैं सभी सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको और भी स्टिकर का देखने को मिल जाता है, जिसके मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। ये था सेटिंग्स फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।